वहीं लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जान लगाकर अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्टेट स्कूल मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे राजनांदगांव से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धन्यवाद। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव हो रहा है, प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद कांकेर और राजनांदगांव और तृतीय चरण में फिर सात लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसका उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सीएल लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नांदगांव जैसे ये संस्कारधानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आम किसान मजदूर आदिवासी हमारे अनुसूचित जाति के लोग महिलाएँ सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा।